चलेगा। सेट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जनरली आप डायमेंशन पढ़ते हैं, डायमेंशन में इस तरह से क्वेश्चन देखने मिलता है, लेकिन देखिए यूनिट में इस तरह से क्वेश्चन जब उठाए जाते हैं तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को देख के समझिए, व्हाट इज द सिंगल क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन ये आपका कि ए फिजिकल क्वान्टिटी ऑफ डायमेंशियल ऑफ सी, मेन क्वेश्चन यही है कि ए फिजिकल क्वान्टिटी ऑफ डायमेंशियल ऑफ सी जी एन ई स्क्वायर अपॉन 2π εr इज वेयर सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी द ग्रेविटेशनल एंड ई द चार्ज। तो चार्ज है, तो जब चार्ज है यहाँ पे क्या करेंगे स्पेशली ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ सी, इसमें आपके लिए बोल रहा है कहीं सी है तो सी आपका क्या जनरली स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट है। इन सभी में से हमें ये देखना पड़ेगा कि ये स्पीड को मेजरमेंट कर रहा है, भाई स्पीड ऑफ लाइट है तो मीटर पर सेकेंड होता है, बट आप लेंथ की बात करते हैं तो क्या जनरली लेंथ को हम ये लिखते हैं सिंपल सा। तो आप सोचना ये है कि इस तरह से क्वेश्चन में जब आपके दिए रहते हैं तो क्या करना चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले आप ये देखिए कभी कभी इस पूरे पर जो है हाफ दे देगा, क्यूब दे देगा, स्क्वायर दे देगा, वाला कंडीशन। आज क्वेश्चन को देखिए वहाँ पर हमें यल चाहिए, यल इसमें इस तरह से नहीं मिल रहा तो डायमेंशन नॉट पॉसिबल ही है, बट आप सोचो यल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि यल हमें चाहिए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ सी, ओनली सी का, सी पे जो है ओनली लेंथ का पूछ रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा ये सब जी दे दिया है, ग्रेविटेशन दिया है, वेलोसिटी दिया है, फिर आपका चार्ज दिया है, तो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है हम क्यू का फॉर्मूला आई न्यू पी से समझते हैं, हाँ ये होता है ये क्या देगा एम पी आर आई एल डाय पर टी ए टी एल डाय पर ठीक है। क्या हम फोर्स का, तो फोर्स का देखते हैं हम लोग 1π εr नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, लेकिन आप क्यू वन क्यू टू ना करके क्या दे रहा है ई वन और ई टू और दोनों यदि इक्वल हैं तो क्या E और E मिल के श्योर। क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से कर रहा है, ऑप्शनों में ई स्क्वायर बाई 4π εr, ई स्क्वायर बाई 4π εr, ई स्क्वायर 4π εr, ई स्क्वायर बाई 4π εr इतना दे रखा है εr, तो इसका मतलब ये है कि आप सोचो यहाँ पे दे रहा है ऐसे ई वन जाएगी ई स्क्वायर बाई 4π εr नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए यहाँ पर क्या क्या मैच कर रहा है, हमें इतना मैच करा रहा हूँ, देखिए सब ऑप्शन रहता है इतना सब, इस यानी इसका सेंस ये हो जाएगा कि क्यों ना हम ऐसे निकाल के डिवाइड करें तब भी आएगा, लेकिन क्यों ना इससे सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं क्या जाएगा एफ आर स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपान 4π εr आई इसका फॉर्मूला क्या था आपका यम यल टी माइनस टू फोर्स का, फोर्स का मास इन एक्सेलरेशन, मास यल रहता एक्सेलरेशन चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हां वहां पे यल टी पर माइनस टू ये था आई, ये डिस्टेंस ए भी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस एल स्क्वायर, तो सीधे हम क्या करें क्यू पर ना क्योंकि यहाँ का एल स्क्वायर और ऑलरेडी यहाँ पे यल था इसलिए एल क्यू हो गया, यानी इतना क्यूबेल निकल गया हमारा स्क्वायर का। आप सोचिएगा ये पावर हाफ लगाने की बात कर रहा है पावर हाफ, फिर उसके बाद हम देखिए जी है तो जी का भी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे में एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर, तो ये जी का कुछ है यानी यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई एफ आर स्क्वायर अपान एम वन एम टू इक्वल टू जी 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 और यहाँ पर आपका ये एफ आर स्क्वायर था, ठीक है यहाँ पर भी देखिए सीधे एफ आर स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू रखना चाहें तो ये एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू इसके जगह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर आपका इतना लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं सीधे फॉर्मूला एफ आर स्क्वायर 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 एफ स्क्वायर आर पावर फोर,
जैसे यदि हम डायमेंशियल नहीं भी रखते हैं इस ऑप्शन को देखते हुए, यदि हम डायमेंशियल भी नहीं रखते हैं, देखिएगा 1/c² राइट, जी की वैल्यू हमने क्या निकाला है, a² / m1 and m2 गुड ठीक है। अब देखिए e² / 4π² मैंने क्या निकाला, f r square ऐसे ठीक है। आप इन सभी के पावर क्या लगा रखा है, हाफ, सीधे यह हाफ लगा रखा है, श्योर ठीक है। अब देखिएगा 1/c² कंपटीशन में बैठना है तो यहाँ पे आपको कई तरीके सोचने बताया जा रहा हूँ, कंपटीशन में बैठे तो आप खुद सोचते हैं यार इसको यहाँ से लगा, इसको यहाँ से लगा, यहाँ याद रखा, ऐसे कुछ आगे पीछे आपको सोचना पड़ेगा। देखिए स्क्वायर एरिया लगाने का मतलब क्या होता है, इसको हाफ लगाने का मतलब क्या होता है, ये रूप में है, फट गए तो देखिए भाई एक रुपया बन जाएगा, सीधे एक एफ बाहर निकल जाएगा, किसी के पावर यदि हाफ होता है ये लगाने का सेंस क्या होता है, ये इसको रूप में लिखना, नंबर का आपको पढ़ते हैं ऐसे, यानी टू तो टू एफ था एक एफ होगा, r² हमें पेयर बन जा रहा है सीधा r² हो गया, आगे इसका भी आ जाएगा आपका, हाँ फिर सीधे के जी हम ले लेते हैं, यानी ये भी आपका के जी है और ये भी आपका के जी है, तो के जी यानी सीधे आपका मास हो जाएगा, कन्फर्म। अगर देखिए फॉर्मूला देखिए डायमेंशन याद रखिए, हाई होता है स्पीड ऑफ लाइट में क्या डिस्टेंस अपन टाइम पे क्या l/p, तो देखिए l/p ऊपर जाएगा तो -1 ठीक, r² ऐसा रखिए या में l(t-2) आइए r² का क्यूब हो गया, यहाँ हो गया आपका क्या m, सो m से m कैंसिल, आई t-2 पावर को बल मिलता ही करते हैं, t-2 ये कैंसिल हो जाएगा, l² l³ तो यहाँ से l² कैंसिल हो जाए तो थे क्या है एक, यानी इसको सेटिस्फाई कर दिया इसको, तो आप पेपर में बैठेंगे तो आपको मिसल दिए तब तो हम चार ऑप्शन मिलाते रहेंगे मिलाते ही रहता है, इस तरह के बोर्ड वाले भी से क्या करते हैं, या तो सबसे ऊपर वाला दे देंगे आंसर करेक्ट आंसर होगा या नीचे वाला दे होगा, तो तभी भी आपको पेपर में जब बैठिएगा देखिए इस टाइप के यदि हमें आते हैं आपके डायमेंशियल तो ऊपर वाला एकदम डायरेक्ट उससे कंपेयर कराइए और फिर डायरेक्ट ऊपर तो नहीं आ रहा तो नीचे पा दीजिए, क्योंकि वो भी सब चाहते हैं कि आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट को आप सटीक कर सकें, अगर दोनों से मैच किया तो एकदम श्योर हो जाइए हेमंत से हेमंत दोनों से होगा जरूर ठीक है, इस तरह से वो सब आप सब चूज करते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से डाइवर्ट कर दिया, इस तरह से ये कर दिया कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ सी, फिजिकल क्वांटिटी में सी को देखना है, यहाँ पर लेंथ को देखना है, फिजिकल क्वांटिटी में क्या आपका टाइमिंग नहीं मेजरमेंट की जा रही है मीटर पर सेकंड में, आपका जो है क्या सकते फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ लेंथ आ रहा है, लेंथ टाइमिंग नहीं आता तो टाइमिंग को नहीं लिया है एलो को, तो यल यानी हम लोग समझेंगे सही बात भाई मीटर है तो किस में है लेंथ में है, यल से लिख देंगे मीटर में यल से लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस तरह से ऑप्शन यहाँ पे यल को दे ही नहीं रहा है, 1/c² g² / 1/4 इस तरह से दे रखा है, तो मैं सोचा हूँ यार इस तरह हम लोग लगाएंगे तो लगाते ही रहेंगे तो क्यों ना e = या q दोनों की फॉर्मूला i/p, तो ए टी आई का एम्पियर टी आई आपका आई का ए और टी का इतना हो गया, फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 1/4π² q1 q2 r², तो q1 q2 e1 e2 i1 e2 e² यानी e² हो गया है, फिर हमने डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया i² की मल्टीप्लाई ये यहाँ पर रखा e² / 4π0, तो क्वेश्चन हम देखने मिल रहा है कि आप समय e² / 4π0 बस भैया r² फंसा है, तो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लिए, क्या रूल होता भाई यदि कोई मल्टी है तो इसको डिवाइडिंग कन्वर्ट कर दीजिए, यदि कोई डिवाइडिंग है तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ देखिए डिवाइडिंग में था तो ये क्या तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया बीच में मल्टीप्लाई, तो ये r² इतना हो गया, हम फिर इसका डायमेंशन निकालना शुरू कर दिया, फिर उसने यार इसे और आसान तरीका है, इससे आसान तरीका क्या है, तो भाई चलो ठीक है इसके लिए हम ये फॉर्मूला ले लेते हैं,
या फारिश पर, या फारिश पर होगा। अब जी का भी, तो जी एक जो है सूची कहाँ तक पहुँचा है, बिटवीन द टू मास के विषय में, लाइक बिटवीन द टू चार्ज। तो एफ इक्वल टू जी एम ऑन एम टू अपन आर स्क्वायर की सूची में, यानी हमें कैपिटल जी का चाहिए, तो क्यों नहीं इसका मल्टीप्लाई करता, ठीक है, डिवाइडिंग में मल्टीप्लाई में कर दिया, या फारिश है इंटू में है तो डिवाइड में कर दिया जी। तो वही ये वाला आपके माइंड में सटीक आंसर आना चाहिए, और ये आपके माइंड में इतना सटीक आना चाहिए, ये दोनों वैल्यू आपके अपने हिसाब से मैं प्रूव कर दिया। तो 1/10 सी स्क्वायर जी के जगह एफ आर स्क्वायर बाई एम ऑन एम टू इतना, और यहाँ पर इसका यहाँ पर इतना, तो एफ आर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि बताया गया कि जब भी कोई पावर हाफ होता है तो उसको हटाते हैं तो रूट में आता है, रूट में, तो रूट में आ गया, तो यफ यफ का पेयर बन गया, एक एक बात निकल गई, आर स्क्वायर आर स्क्वायर ये भी पेयर बन गया, आर स्क्वायर इन टू आर स्क्वायर पेयर बन गया, ये भी रूट से बाहर निकल गया, यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया, हाई एम वन आई एम टू, ये भी मास है, भी मास के जी होगा, के जी का वही मास मास हो गया। अब इसका देखिए यफ का मैंने डायमेंशन रख दिया है MLT-2, लेकिन ये लेंथ है एल स्क्वायर, इसमें का एक एल, इसलिए डायरेक्ट एल क्यू हो गया है, और यहाँ पे आपका यम है, यम यम एम से कट गया। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वाले में देख लीजिए भैया, स्पीड ऑफ लाइट में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं एल अपॉन टी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है, स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर लगना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगना हो जाएगा, एल स्क्वायर टी पर माइनस टू, एल स्क्वायर टी पर माइनस टू, एल स्क्वायर और एक एल क्यू, तो यहाँ पर स्क्वायर कट जाए तो एक एल बचा, आई एम से एम आई टी पर माइनस टू, टी पर माइनस टू ऊपर से भी कट गया, तो एल बच गया, यही बात आंसर हो गया। तो कंपटीशन ऑलवेज द सेम लेट ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा, तब आपके लिए जो है